हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं उषा सैनी और आज मैं आपको अपना ये हिबिस्कस दिखा देती हूं। दोस्तों ये देखिए, ये कितना सुंदर फूल है, ऑरेंज और क्रीम शेड में है ये, और ये कई कलर चेंज कर लेता है दोस्तों। और अब जैसे मौसम थोड़ा सा अच्छा होना शुरू हुआ है, अब ये खिलने शुरू हो गए। अब अक्टूबर शुरू हो गया, अब ये दिसंबर तक खूब फूल खिलेंगे इसमें। और जैसे कलियां गिरती हैं, लोगों की हमेशा शिकायत रहती है कि कलियां खिलने से पहले ही गिर जाती हैं। ये देखिए मेरा ये जो पेड़ है, आप देख रहे हैं, काफ़ी स्वस्थ है और इसमें काफ़ी कलियां बननी शुरू हो गई है। ये देखिए अभी ये इसमें फूल खिलने शुरू हुए हैं और काफ़ी, ये देखिए सभी टहनियों पे, और बहुत छोटा सा पेड़ है, इसकी 1 फुट हाइट है। और अब ये काफ़ी अच्छे भर के फ्लावरिंग पे आ जाएगा और धीरे धीरे दिसंबर तक इसमें खूब फूल खिलेंगे। और इनकी केयर दोस्तों ज़्यादा है, ये वाले जो फूल होते हैं गुड़हल के, इनकी देसी गुड़हल से थोड़ी सी हमें ज़्यादा केयर करनी होती है, क्योंकि ये तो धूप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते ज़्यादा। इनको हल्की सुबह की जो धूप होती है, वही अगर 2-3 घंटे की मिल जाती है, उसी से ये बहुत अच्छे से चलते हैं। और अगर हमें इन्हें डायरेक्ट धूप में रख देते हैं सारा दिन की, तो उसमें ये झुलस जाते हैं और ना तो अच्छी फ्लावरिंग करेंगे और ग्रीनरी भी इनमें बहुत कम रहेगी, सूख जाते हैं। और कलियां भी इतनी बनेंगी। और घर से ही मैं एक फ्री का एक फर्टिलाइज़र बना के इसमें डाल देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा कोई मुझे बाहर से खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं अपने सभी पेड़ पौधों में, जैसे आपको बताती रहती हूँ, घर से ही खाद बना के डाल देती हूँ। उसी से ही मेरे गार्डन में ज़्यादातर से सभी पेड़ पौधे अच्छे चलते हैं। और ये वाला जो मेरा पेड़ है, आप देख रहे हैं, 2 साल पुराना है। 2 साल पहले मैं ये बना बनाया पेड़ लाई थी और इसके कलम भी नहीं चलती दोस्तों। ये बहुत ही छोटा सा होता है तो इसमें से ज़्यादा कलम निकल नहीं पाती, और मैंने 1-2 बार कलम लगाने की कोशिश की है दूसरे पेड़ जो मेरे पास हैं, ज़्यादा उनकी कलम चली नहीं। जो देसी गुड़हल होते हैं उनकी बहुत ही आसानी से कलम चल जाती है, इसकी कलम बहुत मुश्किल से चलती है। 2-3 कलम, 4 कलम हम लगाएंगे तब एक चलेगी, और बहुत टाइम लग जाता है पेड़ बनने में। और ये मैं बना बनाया पेड़ नर्सरी से लेके आई थी, 50 से 100 रुपये के बीच में इतना बड़ा पेड़ आराम से नर्सरी से मिल जाता है। और इस तरह के जो फूल वाले प्लांट हैं, अब जैसे अच्छा मौसम होने लगा है, हल्का हल्का ठंड सी, और उस मौसम में ये बहुत ही अच्छे चलते हैं। मेरे पास 3-4 कलर के हैं, धीरे धीरे जैसे फूल आएंगे मैं आपको सब सब पेड़ दिखाऊंगी अपने, और कैसे इनकी केयर करती हूँ। ये देखिए, जब मैं लाई थी 2 साल पहले, तो मैंने इसी गमले में लगा दिया था। ये मेरा 8 इंच का गमला है और 1 फुट ही हाइट है इस गमले की, और उसी में ये बहुत अच्छे से 2 साल से काफ़ी फ्लावरिंग पे है। इस बार मेरे गार्डन में इसकी 3री बार फ्लावरिंग होगी और काफ़ी अच्छा हरा भरा स्वस्थ। और इसको मैं छत पे अपनी नेट में रखती हूँ, जो मेरे नेट का एरिया है छत के ऊपर, मैंने एक नेट लगाई हुई है, उसमें मैं बड़े जो पेड़ पौधे होते हैं उनके नीचे इसको रख देती हूँ। गर्मियों में, जब मई के बाद, मई जून जुलाई अगस्त तक मैं नेट के नीचे ही इसको रखती हूँ, फिर हल्का सा इसको मैं थोड़ी सी बाहर करती हूँ, और धीरे धीरे ये अब अक्टूबर में इतने अच्छे से फ्लावरिंग हो गई है शुरू। और मेरे पास कितने ही कलर हैं ऐसे, अभी उन पे धीरे धीरे जैसे भी फूल शुरू होंगे मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए मैं कौन सा इसमें लिक्विड बना के डालती हूँ, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये 1-2 लीटर का डब्बा है, इसमें मैं प्याज के छिलके डाल देती हूँ। जो जैसे घर घर से ही हमारी जो प्याज हम बनाते हैं, रोज़ एक प्याज हमारी लगी जाती है सब्जियों में, तो उसका जो ये छिलका लाल वाला होता है ऊपर का, ये मैं पानी में डाल देती हूँ। और 3-4 दिन बाद ये देखिए हल्का सा लाल लाल से कलर का ये पानी बन जाता है, और ये इसमें अच्छे कुछ ऐसे तत्व तो पाए जाते हैं जो हमारे पेड़ पौधों में बहुत ही फ़ायदा मिलता है उनको, और फूल बनते हैं, कलियां ज़्यादा बनती हैं और फूल खिलते हैं, और काफ़ी फ्लावरिंग इससे आती है दोस्तों। इसके अलावा मैं इस तरह के पेड़ में ज़्यादा खाद नहीं डालती, क्योंकि ज़्यादा खाद डालने से ये इस तरह के पेड़ गल जाते हैं, मैंने ये देखा है। या तो इनमें हम हल्की गोबर की खाद डालें, या फिर हल्का फुल्का जो घर से ही लिक्विड हम बना के डाल देते हैं, जैसे सब्जियों के छिलके होते हैं उनका पानी, और या प्याज का छिलका होता है, इसका छिलके का पानी आप किसी भी फूल वाले पेड़ में डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छा चलता है।
और ये देखिए, ये मैं इसकी केयर अपने गार्डन में इसी तरह से करती हूँ, और हल्की फुल्की इसकी कभी कभी गुड़ाई कर देती हूँ, और पानी भी इसमें बहुत ही कम डालने की ज़रूरत पड़ती है हमें। इस पेड़ में पानी हमें बहुत कम डालना होता है, 2 दिन बाद भी इसमें अगर पानी डालेंगे तो चल जाता है। और गर्मियों में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, थोड़ा सा जब हमारी ये मिट्टी ऊपर से अच्छे से सूख जाए तभी हम पानी दें इसको, और अगर सर्दियों में तो 3-4 दिन में भी अगर हम पानी देंगे तो चल जाता है। और यही इसकी केयर है दोस्तों। आप को अच्छा लगे तो आप भी अपने गार्डन में इस तरह के पेड़ पौधे रख सकते हैं। और कैसा लगा मेरा वीडियो आज का, आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।